अस्सलामु अलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जहरास किचन। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सबके साथ रात की बची हुई चावल से बहुत ही मज़ेदार की नाश्ता बनाकर शेयर करने वाली हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा रेसिपी है, लेकिन ये खाने में माशाल्लाह से बहुत ही यमी होता है। आप इसे चटनी के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत ही सॉफ्ट और हमारा नाश्ता जो है हेल्दी बनकर तैयार होता है। मैंने इसे वेजिटेबल्स भी ऐड किया है और साथ ही मैंने चावल यानी बचे हुए चावल से इसे मैंने बनाया है। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना सॉफ्ट और हेल्दी नाश्ता हमारा बनकर तैयार हुआ है। रात का बचा हुआ चावल है और मैं इसे सुबह के नाश्ते में बनाकर तैयार करने वाली हूँ। तो इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप रात की बची हुई चावल। आप देख सकते हैं मैंने रात को चावल बनाया हुआ था और ये बचा हुआ है, तो सुबह मैं इससे नाश्ता बनाने वाली हूँ। मैं यहाँ पर 2 कप चावल ले रही हूँ, उबले चावल। अब मैं यहाँ पर ब्लेंडर जार पर इसे डाल लेती हूँ। इसे हमें फाइन पेस्ट करना है, तो थोड़ा मैं पानी डालूंगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 2 कप के करीब चावल ले लिया है। अब मैं यहाँ पर 1/2 कप के करीब पानी डालकर इसका मैं एक फाइन पेस्ट कर लूंगी। ज़्यादा पानी ना डालें, 1/2 कप के करीब ही पानी डालें और इसका एक फाइन पेस्ट कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने चावल को पेस्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर मिक्सिंग बाउल पर इसे निकाल लेती हूँ। जार पर थोड़ा सा पानी डालूंगी और मैं सारा जो चावल का पेस्ट है उसे साफ करके इस बाउल पर डाल लूंगी। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इस बाउल पर डाल लिया है। इसे मैं एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पर 1 कप के करीब सूजी डाल लेती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर सूजी मोटे दाने वाले लें या फिर बारीक दाने वाले भी ले सकते हैं। तो देखिए, 1 कप के करीब हमें सूजी चाहिए और साथ ही 1 कप के करीब हमें दही लेना है। दही भी हमें यहाँ पर फ्रेश दही लेना है, ज़्यादा खट्टा दही ना लें। तो देखिए, 1 कप सूजी और 1 कप दही मैंने डाला है। 2 कप चावल में 1 कप सूजी और 1 कप हमें दही डालना है। तो इन सभी को मैं अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा मैं यहाँ पर 1/2 कप के करीब पानी डाल लेती हूँ। इसका हमें ज़्यादा पतला बैटर नहीं करना है, बस सूखा सा हम बैटर रखेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ 1/2 कप के करीब और इसे मैं एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इस बाउल को मैं 15 मिनट के लिए ढककर रख दूँगी ताकि हमने जो सूजी डाला है वो थोड़ा सा फूलकर सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए, अब मैं इसे प्लेट से ढक देती हूँ और 15 मिनट के लिए हम रेस्ट पर रख लेते हैं। 15 मिनट के बाद अब देखिए हमारा जो बैटर है वो परफेक्ट बन चुका है। सूजी जो है फूल कर कितना गाढ़ा हो चुका है, आप देख सकते हैं। हमें यहाँ पर और कोई पानी नहीं डालना है। मैं इसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ एक बाउल पर, जिस पर मैं वेजिटेबल्स ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर पाऊँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक बाउल में रख लिया है सभी बैटर को। अब मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई टमाटर, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और साथ ही मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ कॉर्न, स्वीट कॉर्न मैंने लिया है, फ्रोजन हरी मटर मैंने ली है, आप चाहें तो फ्रेश मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही 3 से 4 हरी मिर्च को मैंने बारीक काट कर डाल लिया है। कुछ हरे धनिए को भी हमें बारीक काट कर डाल लेना है। इन सभी को हम अच्छी तरह से बैटर में मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर कुछ पाउडर मसाले डालूंगी जिससे हमारा ये जो नाश्ता हम बना रहे हैं वो थोड़ा सा टेस्टी बने। तो यहाँ पर मैं 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल लेती हूँ, 1/2 छोटी चम्मच के करीब अजवाइन। इसे मैं अच्छी तरह से हाथ से मसल कर डालूंगी, इससे क्या है ना इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और साथ ही 1 छोटी चम्मच के करीब चाट मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच के करीब नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन सभी को हम पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, इस बैटर में हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने से क्या ना और भी इसका टेस्ट इन्हेंस होता है। तड़के पैन पर अब मैं 1 चम्मच के करीब तेल डाल लेती हूँ। स्टोव का फ्लेम मैंने लो रखा है। तेल के गर्म होते ही हमें यहाँ पर 1 छोटी चम्मच के करीब राई के दाने यानी सरसों के दाने डालना है। इसी के साथ 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा, कुछ करी पत्ते को मैंने बारीक काट लिया है उसे डाल लेती हूँ। अब हमें क्या करना, स्टोव को ऑफ कर लेना है। जैसे चढ़कने लगेगा हम स्टोव को ऑफ कर लेना है। इस तड़के को मैं डायरेक्ट इस बैटर पर डाल दूंगी और इसे मैं एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसी बैटर से हमें बनाना है नाश्ता, जो कि खाने में बहुत ही डिलीशियस लगेगा। तो चलिए, मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। सबसे आखिर में हमें यहाँ पर 1 छोटी चम्मच के करीब बेकिंग सोडा डालना है। अगर बेकिंग सोडा नहीं है आपके पास, आप यहाँ पर इनो पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच के करीब सबसे आखिर में ही इसे डालें और हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे डालने से क्या है ना, हम जो बनाएंगे नाश्ता वो बहुत ही सॉफ्ट बनने वाला है। तो चलिए, अब हम चलते हैं स्टोव की तरफ। स्टोव के हाई टू मीडियम फ्लेम पर मैंने अप्पम पैन रखा है। आप इसे इडली स्टैंड में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे अप्पम पैन पर बनाने वाली हूँ। थोड़ा सा तेल से हम इसे ग्रीस कर लेंगे इस तरह से। जैसे ही पैन थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, हम यहाँ पर 1-1 चम्मच करते हुए बैटर को डाल देंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पैन गर्म हो चुका है। अब मैं यहाँ पर 1-1 चम्मच करते हुए बैटर को डाल लेती हूँ। इस तरह से आपको डाल लेना है। इसे भर कर ही डालें ताकि ये फूलेगा अच्छी तरह से। मैं इसे अप्पम पैन पर बना रही हूँ। आप इसे इडली के स्टैंड पर भी बना सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हर एक ट्रे पर तेल से ग्रीस कर लें और इस तरह से बैटर डाल लें।
बहुत ही आसान सा रेसिपी है, खाने में माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार का होता है, झटपट बन भी जाता है। तो देखिए मैंने पैन पर बैटर को डाल लिया है, अब मैं इसे कवर कर लेती हूँ। इसी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद अब मैं इसे पलट लेती हूँ, इस तरह से दूसरा साइड पलट ले। इसका दूसरा साइड जो है हमें 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है, उसके बाद हमारा जो चावल का नाश्ता है बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए सभी को मैं इस तरह से पलट लेती हूँ और फिर से हमें पैन को लिड से कवर कर लेना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा नाश्ता बिल्कुल बनकर तैयार है। 5 मिनट के अंदर आपका इतना हेल्दी नाश्ता, टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे चटनी के साथ ज़रूर सर्व कीजिए, बहुत ही पसंद आएगा आप लोगों को। तो रात का बचा हुआ चावल और इसका नाश्ता देखिए कितना डिलीशियस बना है। इसे आप पैन पर भी बना सकते हैं, अगर आपके पास इस तरह से अपम पैन नहीं, आप सिंपल सा तवे पर भी इसे थोड़ा सा तेल लगाकर ग्रीस कर लें तवे पर, और 1 चम्मच के करीब बैटर डालकर इसका रोटी की तरह भी आप नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं सभी बैटर को पहले अपम पैन पर डालकर इस तरह से बना लेती हूँ। तो देखिए कितना सॉफ्ट बना है। तो चलिए इसी तरह से मैं सभी पहले अपम पैन पर बैटर डालकर तैयार कर लेती हूँ नाश्ता, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इसके अंदर का कितना सॉफ्ट बनता है। तो ये खाने में माशाल्लाह से बहुत ही यमी है। रात की बची हुई चावल को वेस्ट ना समझें, इस तरह से नाश्ता बनाकर देखिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। आप इसे दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या फिर हरी चटनी के साथ, या फिर इसे टोमेटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने इसे सुबह बनाया है नाश्ते में, आप चाहें तो इसे शाम के नाश्ते में भी चाय के साथ बनाकर सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, इस तरह से नाश्ता बनाकर उसे डीप फ्राई कर लीजिए, बहुत ही मज़ेदार का लगेगा। आप उसे टोमेटो केचप के साथ सर्व कीजिए, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा। तो देखिए कितना सॉफ्ट बना है, आप देख सकते हैं, बहुत मज़ेदार का नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, आज की नाश्ते की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। रात की बची हुई चावल से मैंने इतनी मज़ेदार की नाश्ते की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। अगर आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुँचेगी, आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।